नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज का हमारा विषय है MBA के बारे में। आपको अवगत कराना कि MBA की डिग्री लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए और MBA की डिग्री लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा और आपका कैरियर किस दिशा में बनेगा। और हाँ दोस्तों, साथ ही मैं बताने वाला हूँ आपको कि MBA की डिग्री यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है, और ये स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी और इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सब मैं आपको इस अपने वीडियो में बताने वाला हूँ। इसीलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में आपको पता लगेगा कि MBA से रिलेटेड फील्ड में कहाँ कहाँ आपके लिए मौके हैं और आप कहाँ अप्लाई करके स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप चाहते हैं कि आपको रोज़गार मिले, और एक सम्मानजनक रोज़गार की तलाश में हर युवा और आप भी अपने छात्र जीवन से ही मेहनत करते हैं और अपने प्रतिस्पर्धा के माहौल में अपना स्थान बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। अपनी क्षमताओं के अनुसार और उचित कार्य क्षेत्र को चुनने की आपकी हमेशा कोशिश रहती है, और आप हमेशा ऐसे विषयों के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको अच्छा रोजगार मिले। और आज हम आपको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA से जुड़ी आधारभूत बातों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, MBA के इस क्षेत्र में बहुत ही चुनौतियां बढ़ी हैं, और चुनौतियों के साथ साथ इस क्षेत्र में नए नए ऑप्शंस भी खुले हैं। MBA एक बेहद प्रतिष्ठित और सम्मानजनक क्षेत्र माना जाता है, और MBA हमें व्यापार संबंधी मैनेजमेंट को समझने के लिए ज्ञान देता है और व्यापार जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को हासिल करके हम इस क्षेत्र में नौकरी के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, ये इस डिग्री कोर्स में बताया जाता है। अब MBA के कोर्स के बाद कैसा रहेगा और कौन से छात्र MBA कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले, किस वर्ग के छात्र या कौन से छात्र MBA कर सकते हैं। MBA में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी वर्ग से पढ़ा हुआ छात्र अपना भविष्य बना सकता है, क्योंकि यह एक परास्नातक कोर्स है, इसलिए इसके लिए आपका स्नातक होना अनिवार्य है। और स्नातक आप चाहे विज्ञान वर्ग से हो, चाहे आर्ट से, चाहे कॉमर्स से, आप MBA कर सकते हैं। स्नातक के बाद आपको किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए दाखिला लेने हेतु कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसे हम कैट कहते हैं, को अच्छे अंकों से क्वालिफाई करना होता है। साल में एक बार होने वाली यह परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है, और इसकी तैयारी लोग एक वर्ष पहले से ही शुरू कर देते हैं। इसके अलावा देश की किस यूनिवर्सिटी से संबंधित संस्था में या किसी अन्य उच्च स्तरीय सरकारी और निजी संस्था में भी दाखिला लेने के लिए आपको मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ सकता है। दोस्तों, दाखिला लेने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो इसकी पढ़ाई है उसमें आपको विशेषज्ञता की तरफ बढ़ना होता है। तो इसमें वित्त और लेखा प्रबंधन, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स और तकनीक आधारित मार्केटिंग, अकाउंटिंग, मानव संसाधन प्रबंधन आदि कई क्षेत्रों में आप अपनी रुचि के अनुसार इसमें विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि केवल डिग्री ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आप अपने विषय पर बहुत अच्छी पकड़ रखें, जिससे इंटरव्यू के दौरान आपका कॉन्फिडेंस और आपकी शालीनता आपको सफलता दिलाएगी। ये पढ़ना बिल्कुल ना भूलें कि आप जिस विषय में से MBA कर रहे हैं उसमें आपकी विशेषज्ञता होनी चाहिए। अब MBA करने के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, चाहे आप डिप्लोमा कोर्स करें या डिग्री कोर्स करें, विभिन्न संस्थानों और कोर्स के आधार पर इसकी फीस लगभग 4 लाख रुपए से 14 लाख रुपए तक हो सकती है। और अक्सर क्या होता है कि हम मोटी फीस चुकाने के कारण उम्मीद करते हैं कि शुरू में ही हमें बड़ा पैकेज मिल जाए, जिसकी वजह से कई बार हमें निराश भी होना पड़ता है, क्योंकि सामान्यतः शुरुआती स्तर पर 1,20,000 रुपये से लेकर 1,50,000 तक के वार्षिक वेतन मान पर ही प्लेसमेंट होता है कॉलेजेस में, और उसे बाद में अनुभव के आधार पर 25 लाख वार्षिक वेतन तक की वृद्धि देखने को मिलती है।
अगर किसी विदेशी कंपनी में नौकरी मिलने का चांस मिल जाए तो इस पैकेज में बहुत ही तेजी से वृद्धि हो सकती है और एमबीए में आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हम कामना करते हैं। और दोस्तों अब हम ये आपको बताने वाले हैं कि आपको वो कौन कौन से 5 टिप्स हैं जिसमें आप अगर एमबीए में ध्यान दें तो आप अपना कैरियर बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला टिप्स है कि आपको अपने बिजनेस को सुपरहिट बनाना आना चाहिए। अब सुपरहिट बनाना कैसे है कि एमबीए की आपने डिग्री हासिल कर ली है और आपको नॉलेज भी बहुत है, तो आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको मार्केट में आपको कैसे लॉन्च करना है और आपको कैसे ड्राइव करना है, या फाइनेंशियल आपको कैसे सेट करने हैं, या आपको कैसे एम्प्लॉय अपनी कंपनी में लाने हैं, ये सब आपको एमबीए में के स्किल्स के आधार पर सेट करना है। अब ग्रेजुएशन में विषयों का चुनाव करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आपको आगे एमबीए करना है तो उसकी तैयारी में जो विषय मददगार हो सकते हैं आप उन्हें ग्रेजुएशन में रखें, जिससे एमबीए को सीखने में आपको मुश्किलें ना आए। दूसरा है कि आप डेली के डेली बिजनेस और फाइनेंशियल मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से जुड़े रहें, जिससे आपको मार्केट क्रैश, मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग आदि खबरों पर आपकी नज़र रहे और आपके शिक्षक या विशेषज्ञ आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से अवगत करा सकें और मार्केट में नया क्या ट्रेंड है इसके बारे में भी आपको बता सकें, क्योंकि ग्रेजुएट के दौरान सीखे गए स्किल्स आपके लिए उम्र भर काम आ सकते हैं। तो इसीलिए न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पर खास नज़र रखें। दूसरा दोस्तों, कॉकटेल पार्टी या छोटी मोटी दोस्तों की पार्टी में जरूर जाएं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन इससे आपको ना अपनी नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा है, कोई भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन कीजिए जो एमबीए कर रहा है या फिर जो आपके कैरियर से रिलेटेड चीजें कर रहा है, उससे आपको उनके विचारों और उनकी नॉलेज का एक अद्भुत अनुभव होगा। हो सकता है उन्हें थोड़ा सा आपसे ज्यादा नॉलेज हो या विषय में या फिर बाहर के रिस्ट्रक्चर के बारे में, तो वहां से आपको काफी मदद मिल सकती है। और अगर आपके कोई सीनियर हैं तो आपको वो आगे आने वाले टाइम में क्या परेशानी हो सकती है उसकी आपको मदद दे सकते हैं या आपको जानकारी दे सकते हैं। और दोस्तों सबसे जरूरी बात है कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं सबसे पहले यह तय जरूर कीजिए और उसी के अनुसार योजना बनाएं, क्योंकि सफलता काफी हद तक इसी चीज पर डिपेंड करती है कि आप क्या करना चाहते हैं। और दोस्तों सबसे जरूरी बात है, एमबीए का स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आप अगर एमबीए करते हैं तो एमबीए के साथ, अगर आप ग्रेजुएट हैं और एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए के साथ साथ आप मार्केट में जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनकी डिटेल और उनकी नॉलेज हमेशा मार्केट से अपडेट रहिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ जो एमबीए के कोर्स में जो आप कोर्सेज कर रहे हैं उनमें प्रोफेशनल्स की जो रिसर्च वर्क में भी काफी मेहनत जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट में वहां भी आप जा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूं आपको कि आप एमबीए में कहां से आप स्कॉलरशिप लेकर एमबीए कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं कि एमबीए करने के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, और वो मिल रही है आपको, ये जो संस्थान है ये शिक्षा ओ अनुसंधान यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर ओडिशा के नाम से है, और ये शिक्षा ओ अनुसंधान एडमिशन टेस्ट 2018 को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें एमबीए करने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप है। इसके लिए जो इन्होंने पात्रता दी है, ये 10वीं और 12वीं और स्नातक में आपके पास 60% अंक होने चाहिए, और इसमें जो आपको राशि मिलेगी 2 साल के लिए 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिल रही है, जिसकी अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल से पहले आपको ये फॉर्म भरना है दोस्तों। और साथ ही जो वेबसाइट दी है इन्होंने वो है www.soa.ac.in। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप बताता चलता हूँ आपको कि यदि आप एमबीए के साथ में एलएलबी कर लेते हैं तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि एमबीए में करने के बाद अगर आप एलएलबी करते हैं तो लीगल में आप
जा सकते हैं अपने किसी भी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट को आप हेड कर सकते हैं, क्योंकि लीगल डिपार्टमेंट में काफ़ी वैकेंसीज रहती हैं और वहाँ पर काफ़ी चैलेंजिंग जॉब भी है, तो वहाँ पे आपके कैरियर को काफ़ी निखार भी आएगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब लखनऊ यूनिवर्सिटी से अगर आप LLB करना चाहते हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय में 5 वर्षीय LLB प्रोग्राम्स निकला हुआ है, जिसकी योग्यता 45% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो और इसका जो चयन है वो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें जो सीटों की संख्या है वो 120 सीटें हैं और इसकी जो प्रवेश परीक्षा होगी वो 2 मई 2018 को होगी और इसमें जो अंतिम तिथि है अप्लाई करने की वो 15 अप्रैल 2018 है। और इसको जो अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट www.lkouniv.ac.in की वेबसाइट पर जाकर आप LLB के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है दोस्तों वो है 0639245186। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सके, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे सरकारी नौकरी के ऐसे ही वीडियो साथ में और कैरियर की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैव ए नाइस डे दोस्तों, बाय बाय।